डियर लर्नर्स, आज हम सीखेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स को देखिए आप ध्यान से, शानदार तरीके से हम सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब का हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त क्रियाएं, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिसमें हम ये है कंबाइंड जो होगा मीनिंग होगा। जैसे हम लुक वर्ड को लेते हैं, लुक का मतलब होता है देखना, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। इसमें लुक वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना, लेकिन जब हम लुक आफ्टर इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना। तो इसका डिफरेंट मीनिंग हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए हमारे जो कुछ वर्ब्स हैं फ्रेजल वर्ब्स, उनके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या होगा, बुझाना। पुट आउट तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज पुट आउट द लाइट। लाइट को क्या कह दीजिए, बुझा दीजिए। प्लीज पुट आउट द लाइट। यहाँ पुट आउट का मीनिंग इस तरीके से सेंटेंसेज में बोल के सीखेंगे हम। डेली हमारे जो लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर हम इसको बोल के कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए पुट बाय, पुट बाय का मतलब होता है सेव करना, बचाना, बचत करना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिए शी पुट्स बाय मनी फॉर हर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर के लिए क्या करती है, पैसे बचाती है, सेविंग करती है, पुट बाय। तो यहाँ पर हमें इन दोनों वर्ड्स को मिला के जो फ्रेजल वर्ब बन रही है इसका एक डिफरेंट मीनिंग है, उसको समझने की कोशिश करनी है। पुट बाय, पुट बाय। और पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है दबा देना या विद्रोह को समाप्त कर देना, दबा देना। पुट डाउन का मतलब क्या है, विद्रोह को दबा देना। तो यहाँ पर क्या होगा, द रेबल्स वर पुट डाउन बाय पुलिस, पुलिस ने जो क्या था, विद्रोहियों को दबा दिया। इस तरह से हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे।